गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी वर डिस्कसिंग चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है? तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द लैटिट्यूड्स, ठीक है। आप लैटिट्यूड्स के बारे में जाने, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, दे आर लैटिट्यूड्स, एंड दीज वर्टिकल लाइंस, एंड दीज वर्टिकल लाइंस आर लॉन्गिट्यूड्स। ये सब क्या है? ये सब आपका लॉन्गिट्यूड्स है, ओके, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जिंग इन द साउथ पोल, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स के बारे में आप क्या जाने? लैटिट्यूड्स दे आर हॉरिजॉन्टल लाइन, दे आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, इक्वली स्पेस्ड होता है, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो बराबर है, इक्वली स्पेस्ड। कितने का? 111 किलोमीटर का गैप है। साइज डिक्रीजेस कहाँ से? इक्वेटर से दूर जाइएगा, एज वन मूव्स अवे फ्रॉम इक्वेटर। जैसे इक्वेटर से दूर जाइएगा, साइज डिक्रीज करते चला जाएगा। इसमें क्या है? लॉन्गिट्यूड्स में, लॉन्गिट्यूड्स आर द या वर्टिकल लाइंस, दीज आर द वर्टिकल लाइंस, ओके, नॉट इक्वली स्पेस्ड, स्पेसिंग इक्वल नहीं है, ठीक। फिर क्या है? ऑल आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। सब लॉन्गिट्यूड्स एक ही लेंथ के होते हैं, ओके। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे आपका 1 डिग्री नॉर्थ, दो लैटिट्यूड्स को हम देख रहे हैं, 0 डिग्री और 1 डिग्री नॉर्थ को। तो इनके बीच में किलोमीटर वाइज डिस्टेंस कितना है? किलोमीटर वाइज डिस्टेंस है आपका 111 किलोमीटर का डिफरेंस है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस। तो अगर 2 डिग्री के बीच में इसको छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड किया जाए, कितने डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं? छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं और 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितना डिविजन्स में? 60 इक्वल डिविजन्स, 60 इक्वल डिविजन में डिवाइड किए। तो जो ये जो एक डिविजन जो बना है, दिस वन डिविजन इज कॉल्ड एज मिनट, ठीक है, डिनोटेड बाय दिस सिंबल 5 मिनट ऐसे, ठीक है। मतलब एक डिग्री में 60 डिविजन्स हो गया, तो 60 मिनट्स के बराबर होगा, ओके। एक डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर। और ये जो एक मिनट का जो पार्ट है, दिस वन मिनट, इसको भी छोटा छोटा इफ वी डिवाइड 1 मिनट इंटू 60 इक्वल डिविजन्स, कितने डिविजन्स में? 60 इक्वल डिविजन्स में अगर डिवाइड करें तो जो एक छोटा सा यूनिट जो मिलेगा, डैट विल बी 1 सेकेंड, ठीक है। कैसे किए हैं? ये दो लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर द टू लैटिट्यूड्स, ये 1 डिग्री नॉर्थ का, ये 0 डिग्री नॉर्थ का। इसको क्या किया गया? ऐसा 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया गया। एक को क्या बोला गया? 1 मिनट, ठीक है। और इसको भी क्या किया गया? 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो सबसे छोटा जो यूनिट मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड, ओके। जो लैटिट्यूड 0 एंड 1, इसको कितने डिविजन में डिवाइड किए? 60 डिविजन्स, दो लैटिट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस को 60 डिविजन्स में डिवाइड किए। 60, तो एक डिवीजन क्या हो जाएगा? 1 डिवीजन विल बी मिनट, ठीक है। और एक मिनट को 60 इक्वल डिविजन में डिवाइड किए, एक मिनट को 60 इक्वल डिविजन में डिवाइड किए, तो एक डिवीजन, इस केस में एक डिवीजन क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। एंड सेकेंड का सिंबल क्या होता है? ऐसे 2 बार,
दिस इज द यूनिट फॉर सेकेंड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिनट एंड सेकेंड. एक दो लैटिट्यूड को जब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, दो लैटिट्यूड के बीच के डिस्टेंस को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टिल 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किए, तो एक जो डिवीजन बना, जस्ट वन डिवीजन, ये क्या हो गया, मिनट हो गया. ठीक है, अब दो मिनट के बीच में, दो मिनट के बीच में ऐसा 60 इक्वल डिवीजन्स बनाए, तो एक जो डिवीजन बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंड. ओके, सिमिलर हैपन्स विद द लॉन्गिट्यूड्स, इवन लॉन्गिट्यूड्स में भी यही कंडीशन है. ये आपका 0 degree का लॉन्गिट्यूड और ये आपका 1 degree ईस्ट का लॉन्गिट्यूड. तो दो लॉन्गिट्यूड्स का जो लाइन है, दो लॉन्गिट्यूड्स का जो लाइन है, इसके बीच में, इसको बड़ा, ये लॉन्गिट्यूड्स हुआ, ये 0 degree और ये 1 degree ईस्ट. तो ये जो दो लॉन्गिट्यूड्स का जो लाइन है, तो उसमें कितना डिवीजन बनाए, 60 इक्वल डिविजन्स, 60 इक्वल डिवीजन बनाए. तो एक डिवीजन को क्या बोला जाएगा, दिस वन डिवीजन विल बी कॉल्ड एज मिनट. ठीक है, और दो मिनट के बीच में, दो मिनट के बीच में ऐसा 60 स्मॉल स्मॉल डिविजन्स बना दिए. ये दो मिनट हुआ ना, ये 0 degree लॉन्गिट्यूड और ये 1 degree ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ठीक है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, जैसे दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स का लाइन है, इसमें क्या किया, 60 ऐसा इक्वल डिविजन्स बना दिए. कितना डिविजन्स, 60 डिविजन्स. ठीक, तो दो डिविजन के बीच में, दो डिविजन के बीच में दो दो एक दो आपका जो 60 डिवीजन बना है, तो एक डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, एक जो पार्ट बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनट बोलेंगे. ठीक है, और दो ऐसा जो मिनट है, दो मिनट्स के बीच में जो जो लाइन है उसमें कितना डिवीजन किए, उसमें भी 60 इक्वल डिवीजन्स कर दिए, 60 डिवीजन्स. ठीक है, एक जो सबसे छोटा जो डिवीजन बना है, डैट विल बी कॉल्ड एज, दिस विल कॉल्ड एज सेकेंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे. ओके, सो अर्थ का जो पोजीशन है, अर्थ पे जो इंडिया का जो पोजीशन है, दिस अर्थ हुआ, ये हुआ आपका इंडिया, ये हुआ 0 degree. एक जगह पे लाइन आता है, जैसे 1 degree, 2 degree, 3 degree ईस्ट आज बढ़ते जाइएगा ना, तो एक लाइन आएगा आपका 8 degree नॉर्थ. तो इंडिया का जो साउथ का जो टिप है वो 8 degree नॉर्थ से थोड़ा ऊपर है. ठीक है, मतलब इंडिया का जो साउथ का जो टिप है, लेट इज लाइंग एट अ पोजीशन ऑफ 8 degree 4 minute नॉर्थ. ठीक है, साउथ का पोजीशन कहाँ पे लाई कर रहा है, 8 degree 4 minute नॉर्थ. ठीक है, और ये हुआ आपका, इंडिया का नॉर्थ का पोजीशन, यहाँ पे है आपका 37 degree नॉर्थ का लाइन क्रॉस करता है और इससे थोड़ा ऊपर क्रॉस करता है 38 degree नॉर्थ का लाइन. ठीक है, 37 और 38 के बीच में इंडिया का नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ नॉर्थ का जो लाइन है वो क्रॉस करता है. तो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, दिस नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज लाइंग एट अ लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ 37 degree 6 minute नॉर्थ. 37 और 38 के बीच में है, वैल्यू कितना है, 37 degree 6 minute नॉर्थ. इंडिया का जो साउथ का जो टिप है, साउथ का टिप है 8 degree नॉर्थ और 9 degree नॉर्थ के बीच में लाई करता है. वैल्यू इसका कितना है, 8 degree 4 minute नॉर्थ. ठीक है, साउथ का जो टिप है, सॉरी जो नॉर्थ का जो टिप है, 37 और 38 degree नॉर्थ के बीच में लाई करता है, उसका वैल्यू कितना है, 37 degree 6 minute नॉर्थ. ठीक है, फिर अगर हम आपका जो वेस्टर्न पार्ट है, जो गुजरात में वेस्टर्न पार्ट है, जो गुजरात में उसका बात करें, उसका कितना वैल्यू है, वेस्टर्न पार्ट गुजरात कैसे दिखता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात का वैल्यू कितना है, इधर से है आपका
68 डिग्री ईस्ट और इधर है आपका 69 डिग्री ईस्ट। 68 डिग्री ईस्ट और 69 डिग्री ईस्ट के बीच में ये लाइन है, ये टच करता है यहाँ पे, दैट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है इसका ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, 68 और 69 के बीच में लाई करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये जो आपका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ऐसा दिखता है आपका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाई करता है 97 डिग्री ईस्ट और यहाँ पे है आपका 98 डिग्री ईस्ट। तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री उसका वैल्यू कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, सो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री का एच कितना है, वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री का लैटिट्यूडनल वैल्यू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और ईस्टर्न मोस्ट का कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, इसको आप मैप पे भी समझ सकते हो, जैसे ये मैप हुआ आपका, मैप पे भी इसको देखिए। तो यहाँ देखिए, ये हुआ इंडिया का साउथ मोस्ट पार्ट, साउथ मोस्ट पार्ट यहाँ 8 डिग्री है, इसके ऊपर 9 डिग्री होगा तो इसकी 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट नॉर्थ हो गया इसका साउथ मोस्ट टिप। जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, नॉर्दर्न मोस्ट टिप कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू कितना है, ये आपका 37 का लाइन है और ये ऊपर 38 का लाइन होगा, जस्ट सिमिलर लाइक सच 37 एंड 38 के बीच में क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर ये आपका वेस्टर्न मोस्ट एज हुआ 68 और 69 के बीच में, 68 और 69 के बीच में क्या हो जाएगा आपका इंडिया का ये जो टिप है यहाँ पे 68 और 69 के बीच में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। यहाँ देखिए 68 और 69 के बीच में आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ईस्टर्न मोस्ट किसके बीच में लाई करता है, 97 और 98 के बीच में, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जैसे द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हो गया, ठीक है, ये 97 का लाइन हो गया, ठीक है, ये 97 डिग्री ईस्ट का लाइन हुआ, इधर 98 डिग्री ईस्ट का लाइन होगा, तो इनके बीच में क्या लाई कर रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, थैंक यू।